जय मसीह की नित्य वचन उसका 26वां अध्याय और चौथे पद में ऐसा लिखा है, मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर ना दे। मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर ना दे। फिर पांचवें पद में ऐसा लिखा है, मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर दे। परमेश्वर ने दो बातें कही है नित्यवचन 26:4, मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर ना दे, और पांचवें पद में लिखा है, मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर दे। अभी मैं भी इस बात का उत्तर नहीं दे रहा हूं, लेकिन आने वाले वीडियो देखते रहना, ऐसे बहुत सारे भेद वाली बातें मिलती रहेगी। लेकिन मैं अब कुछ ऐसे मूर्ख की बात कर रहा हूँ जो अपने आप को पास्टर कहते हैं, जो अपने आप को सेवक कहते हैं, जो अपने आप को प्रॉफिट कहते हैं, जो अपने आप को इवेंजलिस्ट कहते हैं, ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ। ये लोग आपस में लड़ते हैं बाइबल को लेकर। एक यहाँ से बाइबल का पद निकालेगा, नहीं उत्पत्त में ऐसा लिखा है, दूसरा बोलेगा नहीं प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है। मतलब बाइबल को ही बाइबल से लड़ाते रहेंगे। अभी मेरा एक सिंपल क्वेश्चन, एक आसान सा सवाल कि परमेश्वर ने दोनों बातें लिखी हैं नित्यवचन 26:4, मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर ना दे, और पांचवे पद में लिखा है, मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर दे। अभी क्या हम लड़ने के लिए बैठे? नहीं नहीं, मूर्ख को तो मूर्ख उसकी मूर्खता के अनुसार ही उत्तर देना चाहिए। देखो देखो बाइबल में लिखा है। नहीं नहीं नहीं, बाइबल में ऐसा लिखा, मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर नहीं देना चाहिए। अब हम लड़े, ये दोनों लिखा है किसने? दोनों परमेश्वर ने लिखा है। दोनों बात सही है, वो किस तरह से आने वाले वीडियो में मैं पक्का बताने वाला हूँ। लेकिन मैं उन मूर्ख लोगों की बात कर रहा हूँ, नहीं यहाँ पर ऐसा लिखा, नहीं 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 यहाँ पर ऐसा लिखा है, लड़ते हैं आपस में। ये सबसे बड़े मूर्ख है। बाइबल का एक वचन भी दूसरे वचन के विरोध में नहीं है। अगर परमेश्वर खुद अपने वचन का विरोध खुद से करे तो परमेश्वर का राज कैसे बनेगा? परमेश्वर तो ऐसा बोला, शैतान का राज नहीं टिकने वाला, क्योंकि शैतान खुद के सामने हो जाता है। तो हमारे परमेश्वर कभी भी अपने ही वचन का विरोध अपने ही वचन से कभी नहीं करते। वो जो भी लिखते वो बातें सच है, सही है, सिर्फ हमें समझना है कि परमेश्वर कहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। आमीन।